हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और अभी इस टाइम पे हम लोग जो है कि गुजरात में वापी में हैं, तो गाड़ी अपनी आज यहीं से लोड होगी। और अभी टाइम का मतलब सुबह का अपना 9 साढ़े 9 के आसपास हो रहा है। तो अभी हम लोग जो है कि यहाँ पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं ये सब लाइन में अभी लगी हुई हैं। और अपना भी जो कागज़ वगैरह है वो अपना पहुंच गया है, पेपर वगैरह। तो अभी जो है कि देखिए, कहने को एक बात है कि अगर आदमी जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो उसका सेम लेवल है, बस उसको यही काम करने का है। अभी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बीए किया हूँ या फिर ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है तो मैं ट्रक ड्राइव नहीं कर सकता। कर सकता हूँ, सबका अपना अपना शौक़ होता है, फैशन होता है। तो अपना बिजनेस कुछ और करने का प्लान है आगे का, मगर तो अभी जो है ट्रक ड्राइविंग ही है। क्योंकि ये देखिए, ये रिस्की काम भी है, काफ़ी रिस्की है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता आपका, कब आपको जाना है, कब कहाँ जाना पड़ेगा, रात में चलना है, दिन में, 24 आवर्स आपको चलते ही रहना है। तो इसलिए ट्रक ड्राइविंग रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो अभी जो है कि हम लोग तो अपना नहा खा के अपना फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी गाड़ी जो है लोड होगी, 2-3 घंटा इसको लोड होने में लगेगा। तो फिर पेपर मिलेगा कि इसको मतलब कहाँ जाना है। तो अभी ये कंपनी का नाम कुछ अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी थोड़ा आउट में ही है और भैया अपना गए हुए हैं अपना पेपर ऊपर जमा करने के लिए। तो अभी हम लोग निकलेंगे तो फिर आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। और भाई, आप लोग यार मेरी वीडियो पे लाइक और सपोर्ट करें, और आगे का भी जो प्लान रहेगा आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या मुझे करना है। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत छोटी भी, तो आप अपना प्लान बना के चलें कि आपको लाइफ में आप किस हिसाब से चलना है। मेरा देखिए शौक है ब्लॉगिंग का, तो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ट्रक ड्राइविंग ये भी चल रही है अपनी। तो अभी हम बने हैं और आप लोगों का साथ रहेगा और मेरे फैमिली का, तो मैं काफ़ी आगे तक जा सकता हूँ इस चीज़ में। तो आप लोग अपने भाई पे यूँ ही सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्योंकि चैनल मैं देख रहा हूँ कि मतलब अक्सर जो है कि वीडियो मेरी अच्छी खासी रैंक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी 10 व्यू जाते थे, 5 व्यू जाते थे, आज 200, 400, 500, अभी ये छोटे ब्लॉगर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। आप लोग अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखें और मैं यूं ही अपना ब्लॉगिंग में मेहनत करता रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे बस। तो अभी हम लोग जैसे ही यहाँ से गाड़ी लोड हो जाएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे, तो हम आपको आगे का अपडेट बताते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो। तो जैसा है कि फ्रेंड, अभी हम लोग जो है कि कंपनी से निकल ही नहीं पाए, क्योंकि गाड़ी लोडिंग होने के बाद भी आप देख सकते हैं ये खड़ी है। और इसीलिए कल का ब्लॉग भी मिस हो गया, क्योंकि हमें लगा कि कल जो है कि हम लोग एक नए सफ़र के लिए निकलेंगे, बट तो कल से देखिए ये कंपनी का गेट भी बंद है पूरा खुली, और हम लोग कंपनी के अंदर ही है। तो दरअसल बात कुछ ये हो गई है कि जो मैनेजर है कंपनी का, वो बर वक्त में है नहीं, वो कहीं पे गए हुए हैं। तो इसलिए हम लोग जो है कि कंपनी के अंदर ही फंसे हैं। गाड़ी लोड है फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो आज भी लग रहा है कि मतलब रात हो जाएगी हम लोगों को निकलते हुए यहाँ से, तो जिस वजह से ब्लॉक को भी काफ़ी लंबा करना सही नहीं लग रहा है। और देख सकते हैं आप, पीछे ऑफिस वगैरह बंद है पूरा। जो है कि अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो है व्यू भी कोई ख़ास नहीं है। आप ये देख सकते हैं कंपनी के अंदर है हम लोग, बिल्कुल बाहर ही, ये MIDC का एरिया, पूरी कंपनी ही कंपनी है यहाँ पर। तो आज गाड़ी भी अभी इसी पर फंसी हुई है, तो इसलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा अपने भाई पे।